Learning off at this point in time we're learning former Pakistan Prime Minister Imran Khan has been sentenced to ten years in prison. Well, Imran Khan has been given ten year jail sentence. That's the big breaking news we're learning of at this point in time. My colleague Uma Shankar is also now joining us on the broadcast, getting us more on that. Uma go ahead. Uma Shankar will be joining us in just a bit. All right, big breaking news that we're learning of uh, at this point in time. We'll try and get more details about this. Former Pakistan Prime Minister Imran Khan, we are learning, has been sentenced to 10 years in prison by a special court in a case related to revealing uh, official secrets. He was ousted from office in 2022, after which uh, he's uh, landed in trouble a number of times. And now we are learning, former Pakistan Prime Minister Imran Khan has been sentenced sentenced to 10 years in prison in connection with the case. My colleague Uma Shankar is on the broadcast with us. Uma, what are the details coming in? We're learning uh, Imran Khan now has been sentenced to 10 years in prison. जी बिल्कुल देखिए आठ फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव होने हैं और उसके पहले इमरान खान को एक और बड़ा झटका लगा है जब साइफर मामले में आ, उनको 10 साल की सजा सुनाई गई है और उनके साथ साथ जो विदेश मंत्री रह चुके हैं कुरैशी उनको भी 10 साल की सजा सुनाई गई है ये मामला कुछ इस तरह है कि इमरान खान की सरकार को दो में जब अविश्वास प्रस्ताव के बाद सत्ता छोड़नी पड़ी उसके बाद लगातार रैलियों में वो एक कागज़ लहरा कर ये दिखाते रहे कि किस तरह से अमेरिका ने एक कॉन्स्परेसी की और उनकी सत्ता को जाना पड़ा जब उनकी सत्ता चली गई उसके बाद यह मामला जो है वो इस रूप में सामने आया कि उन्होंने स्टेट सेक्रेट को जो है वो पब्लिक डोमेन में डाला है और उनसे बार बार उस पर्ची की मांग की गई जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस छोड़ा वो पर्ची वो पेश नहीं कर पाए और इसलिए यह मामला जो है यह गंभीर होता चला गया और इस मामले में आज दस साल की सजा उनको सुनाई गई है पहले ही उनको जो तोशाखाना मामला है उसमें सजा हो चुकी है और उसी आधार पर पांच साल के लिए उनको चुनाव लड़ने पर उनकी पाबंदी लगा दी गई है अब ये दूसरा मामला है जिसमें दस साल की सज़ा उनको सुनाई गई है पहली सजा को मुअल तो नहीं किया गया लेकिन उस सजा को सस्पेंड जरूर किया गया लेकिन क्योंकि उस मामले में बड़ी नहीं हुई इसलिए जो पाँच साल की पाबंदी है चुनाव लड़ने की वो हटी नहीं और उसके बाद अब ये दस साल की सजा उनको दे दी गई है तो जाहिर सी बात है कि आठ तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें किसी भी सूरत हाल में इमरान खान जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि दस साल की एक और सज़ा उनके ऊपर लगाई गई है तो कुल मिलाकर ये कोशिश जो पीटीआई की तरफ से आरोप लगाया जाता रहा है कि इमरान खान और उनकी पार्टी को चुनाव से अलग करने की कोशिश है पीटीआई की तरफ से एक बार फिर यही एलिगेशन लगाया जा रहा है लेकिन ये लगभग अब तय है कि इमरान खान जो है वो आठ फरवरी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे बिल्कुल आठ फरवरी का चुनाव जो है इमरान खान नहीं लड़ पाएंगे ये अभी जानकारी अभी आ रही है दस साल की सजा उन्हें सुनाई गई है इन द साइफर केस वी ए लर्निंग वेल इमरान खान ऑलरेडी व सेंटेंस टू जेल फॉर फाइव इयर्स इन द तोशा खाना केस एज माय कॉलीग उमा शंकर हैज बीन रिपोर्टिंग योर एंड नाउ फर्दर टेन ईयर्स ऑफ सेंटेंसिंग हैज बिन गिवन टू इमरान खान इन कनेक्शन विद द साइफर केस थैंक यू सो मच उमा शंकर फॉर गेटिंग अस ऑल डिटेल्स